हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने मीशो होम डेकोर हॉल लेकर के आ गई हूँ और आप लोग से शेयर करूंगी। आज इस वीडियो में आपको 16 to 17 आइटम देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट कलेक्शन है, कम से कम रेट मैंने पिक किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर रहते हैं जो अलग अलग प्राइस में सेल करते हैं, तो मैंने कम से कम में पिक किया है, बहुत ज्यादा छानबीन किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस फेस को पहली बार देखें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के थ्रू वो आप तक पहुंच जाएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहां भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, कंटेंट डालती रहती हूँ। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। और मैं बता देती हूँ कि मैं आ गई हूँ सिंगरौली में, सिंगरौली मध्य प्रदेश। कौन कौन सिंगरौली मध्य प्रदेश से है कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम में आप मुझसे बात कर सकते हो और अगर मिलना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कर्टन शेयर करने वाली हूँ। शीर कर्टन मैंने लिया हुआ है, सोफा थ्रो लिया हुआ है, या कुछ डेकोर के आइटम है, मेटल के हैं, रैक है, ठीक है, प्लांटर देखने को मिल जाएंगे, कुछ स्टार देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, पहले मैं स्टार्ट करूंगी कर्टन से। तो जो हमारा फर्स्ट कर्टन है, इस टाइप का शेयर कर्टन में है, ग्रीन एंड व्हाइट कलर का। इस टाइप में आप देखे होंगे बहुत सारे कर्टन, तो कम से कम में है, सेट ऑफ टू मिलने वाले हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर इस टाइप का कर्टन देख रहे हो, शाइन का शाइन भी करेगा, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप लोग को, बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कर्टन अगर व्हाइट कलर का खरीद लेते हो तो उसका शाइनिंग हट जाता है, तो उसको पता है कैसे वॉश करना है। वॉशिंग मशीन में आपको ये कर्टन डालना है, तो रिंग को पहले आप बांध लो किसी भी थ्रेड से इस तरीके से, है ना, और उसके बाद में फिर आपको एक ढक्कन विनेगर डालना है और उसके बाद वॉश कीजिएगा। जो भी शाइन है ना, वैसा का वैसा सेम शाइन हो रहेगा, बिल्कुल भी मतलब डल नहीं दिखेगा, चमक आ जाएंगे, तो काफी अच्छा लगता है। तो इस टाइप का कर्टन मैंने लिया है और मेरे पास व्हाइट कलर का भी है, मैं दिखा दूंगी आगे वीडियो में। 5-6 कर्टन का सेट मैं दिखाने वाली हूँ। तो इस टाइप का ग्रीन कलर से बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, जिससे बहुत अच्छा लगता है, सेट ऑफ टू में है और मतलब इतने कम से कम रेट में है ना कि मैं क्या ही बोलूं। स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी कि मैंने कितने परचेस किया है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि जब मैं ले ही ली हूँ अपने घर को डेकोर करने के लिए, तो आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो कुछ इस टाइप का है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, हाईली रिकमेंड करूंगी। इस टाइप का सस्ते मिल जाए, सस्ते और अच्छे। ऐसा नहीं सोचना कि सस्ता में दिखा, सस्ता का सस्ता हो गया है तो खराब आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, सस्ते हैं बट अच्छे हैं। यहाँ का जो रिंग लगा हुआ है मेटल में लगे हैं, काफी अच्छी, कहीं से कोई रिंग नहीं निकला है, मतलब निकलेगा, आप अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, काफी बढ़िया है, हाईली रिकमेंड करूंगा इस टाइप का कर्टन लेने के लिए। चलो इसे हम लगाते हैं, लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। और मैं एक और बात बता दूं कि ये 7 फीट का, 5 फीट का अगर आप लेना चाहो तो 5 फीट भी मिल जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया हुआ सेम कर्टन, इस टाइप का सेम ही जिगजैग में आपको देखने को मिल जाएगा शाइनिंग वाले, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे ग्रीन कलर के लिए हैं, लाइट ग्रीन कलर के हैं, 7 फीट का है, क्वालिटी काफी अच्छी है। जैसे मैंने बताया ना वॉश करने के लिए, सेम वैसे ही वॉश करना, जो इसकी शाइनिंग है ना वो ऐसे ही बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी मतलब डल नहीं होगा और काफी अच्छा लग रहा है। इस टाइप का सेट ऑफ टू में है, 7 फीट का, तो मैंने ट्राई कर लिया है ये वाले कर्टन और मैंने व्हाइट भी इसका लिया हुआ है। मेरे बहुत सारे कर्टन हो गए, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन से कर्टन के बारे में बात कर रही हूँ। पहले से अगर आप वॉच करते हो तो आपको पता चल ही गया होगा, और जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं होगा तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे कर्टन, सोफा थ्रो, बहुत सारे कुछ ऐसे शेयर किया हुआ है जो आप लोगों को हेल्पफुल हो पाएगा। तो मुझे एक कर्टन काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे पिक कर लिया है, वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर आए हुए हैं और इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी लेने के लिए। स्टेप का अगर आप देख रहे हो तो ले सकते हो। इसी का सेम मैं आपको दिखा देती हूँ, व्हाइट कलर भी मैंने पिक किया है, कौन सा दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन कलर में ऐसे व्हाइट कलर का मैंने लिया, तो सेम वैसा ही जिगजैग पैटर्न में है, शाइन करते हुए में है, काफी अच्छा लग रहा है। 7 फीट का इसमें भी, 5 फीट का अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उस टाइप का देख सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पे 7 फीट का, जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया आई हुई है, रिंग की क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है और ये मेरा मतलब सेकंड परचेस है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास था और मैंने लगा लिया है अपने घर में, अभी फिर से मैंने लिया है और सोचा कि चलो आप लोग फिर से शेयर कर दूं।
उस टाइप का रिंग लगे हुए हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है, 7 फिट का है, अगर आप चाहो तो 9 फिट का भी मिल जाएगा, अगर लेना चाहते हो तो 9 फिट ले सकते हो, सेट ऑफ टू। सबसे अच्छा मतलब कर्टन में ये है मिशो में कि आप सेट ऑफ टू ले सकते हो, मतलब सेट ऑफ टू मिलने वाला, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मिलेगा। हाँ थोड़े से जो नए पैटर्न के आते हैं उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि सिंगल पीस मिलता है, बट इसमें आपको सेट ऑफ टू मिल रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कर दूँ। काफी बढ़िया है, कर्टन की शाइनिंग आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, हाईली रिकमेंड करूंगी आपको लेने के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है एक और व्हाइट कलर के कर्टन, मैं दिखा देती हूँ इसका पैटर्न दिखा देती हूँ, नेट के कर्टन है, इस टाइप का कर्टन आपको देखने को मिल जाएगा 7 फिट का, फ्लावर देखो आप, काफी बढ़िया लग रहा है ना, मेरा ये भी सेकंड परचेस है, काफी बढ़िया लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आप शेयर कर दूं। तो उस टाइप का 7 फिट का मिलने वाला है, 5 फिट का भी आप देख सकते हो, 9 फिट का भी आप देख सकते हो, व्हाइट कलर में, इसमें बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, आप इसे चाहो तो लाइट पिंक कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर और ऑफ व्हाइट है, व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो। मुझे ये वाले बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि इसमें ना व्हाइट कलर में काफी, जब नेट के कर्टन लगाओगे अपने डोर में तो काफी उभर के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है काफी उभर के आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई किया जाए, ये भी सेट ऑफ टू मिलने वाले हैं तो मैंने सेट ऑफ टू ही लिया हुआ है, ये देखो कुछ टाइप का, लगा कर भी दिखाऊंगी कि लगने पे कैसा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कर दूं। और ये काफी अच्छे रेट मिल गया है, मतलब कम से कम रेट मिल गया है, अगर आप अदर साइड पर जाकर के देखोगे ना तो काफी हाई रेंज रहेगा, बट मैंने जो लिया है ना काफी कम सस्ते में लिया है, स्क्रीनशॉट सबका लगाते हुए चलूंगी जिससे आपको पता चल पाएगा कि मैंने कितने परचेस किया हुआ है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी आई हुई है, नेट के कर्टन है, अच्छे से धोगे ना ध्यान रख करके तो बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है, अगर रफली धो दोगे तो कोई भी चीज होगा, चाहे कुछ भी हो रफली अगर आप धोगे ना तो खराब हो जाएगा, चाहे महंगे से महंगे ही क्यों ना ले लो, तो इसलिए थोड़ा देख करके धोना तो अच्छे तरीके से ये निकल भी जाए, गंदे भी मतलब जो होंगे अच्छे से निकल जाएंगे। हाँ लेकिन कर्टन को कभी भी ना मतलब इतने दिन लगा करके मत रखना कि वो इतने ज्यादा गंदे हो जाए कि वॉश करो तो फट जाए, बिल्कुल नहीं, ज्यादा ज्यादा 4 से 5 दिन में वॉश कर सकते हो, मैं हमेशा से अपने कर्टन को 4 दिन 5 दिन लगा करके रखती हूँ फिर वॉश कर देती हूँ, ज्यादा ज्यादा अगर हो गया तो 1 हफ्ते हो गया, अगर मैं घर में नहीं हूँ तो 1 हफ्ता हो गया, बाकी इसे ज्यादा मैं नहीं रखती हूँ फिर वॉश कर ही देती हूँ। तो आप कितने दिन में वॉश करते हो कमेंट करना जरूर, तो मैं हफ्ते भर में वॉश कर देती हूँ और मेरा जो कर्टन है ना अच्छे तरीके से शाइन करता रहता है, तो कुछ इस टाइप का कर्टन है, इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी लेने के लिए, इस टाइप का अगर आप देख रहे हो तो ले सकते हो, मेरे बहुत सारे कर्टन हो गया है, अगर आप बोलोगे ना सिर्फ कर्टन हॉल लेकर के आने के लिए जितने मेरे पास है सारे के सारे इकट्ठा मैं दिखा दूंगी, तो कुछ इस टाइप का है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है ना, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सस्ते में दिखाओ, आप बहुत महंगे कर्टन दिखाते हो, थोड़े सस्ते दिखा दो ताकि हम लोग अपने घर में यूज कर पाए ले पाए, तो जब मैंने पिक किया सस्ते वाले कर्टन तो कुछ देखो इस टाइप का ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा, स्काई ब्लू कलर में, तो कुछ टाइप का आप देख सकते हो, और ये आपको 7 फिट का मिलने वाला है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, 7 फिट का मिलने वाला है, सेट ऑफ टू मिलने वाला है, इस टाइप का रिंग है जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग शेयर कर दूं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पॉलिस्टर कपड़े में थोड़े पतले जरूर हैं बट ऐसा नहीं कि खराब लगे, अच्छी शाइन है देखो इस टाइप के कलर में, और कम से कम रेट मैंने इसे पिक किया है, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि मैंने कितने परचेस किया हुआ था, अगर आप चाहो इस टाइप का लगाने के सस्ते में और अच्छे में तो इस टाइप का आप लगा सकते हो। बाकी कर्टन में बहुत वैरायटी आती है जिसे आप मतलब अलग अलग प्राइस में मिलते हैं और अच्छे महंगे प्राइस में मिलते हैं, काफी अच्छा यूनिक पैटर्न रहेगा, कुछ अलग डिजाइन रहेगा, या एम्ब्रॉयडरी रहेंगे या प्योर कॉटन रहेंगे, थोड़े से महंगे मिलते हैं बट इस टाइप का ट्राई कर सकते हो कर्टन, जो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, आपका घर भी अच्छा लगेगा। तो मैंने लिया है इस टाइप का स्काई ब्लू कलर में और ये है सेट ऑफ टू में है, जिसे आप लगाओगे तो काफी अच्छा लगने वाला। चलो इसे भी हम लगा लेते हैं और लगाने के बाद देखते हैं कि लगने के बाद कैसा लगता है।
और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है सोफा थ्रो, ये है स्काई ब्लू कलर में एंड व्हाइट कलर का। इसका आप ना बहुत सारे मेरे पास पैटर्न देखे होंगे, ब्लैक कलर देखे होंगे, व्हाइट कलर देखे होंगे, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कलर हैं और मुझे ये वाले डिजाइनर काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इस टाइप के में आप मेरे पास जिगजैग वाले भी देखे होंगे, येलो कलर सब में, तो इस टाइप का पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, 3 सीटर में इजिली आ जाएगा, तो कुछ टाइप का आप ट्राई कर सकते हो। व्हाइट कलर का आपको इस टाइप का टैसल्स देखने को मिल जाएगा जो लगने के बाद काफी बढ़िया लगता है, 3 सीटर है तो इजिली अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपके पास 3 सीटर भी और सिंगल सिंगल सीटर भी है तो मैं हमेशा से 2 लेती हूँ, एक को 3 सीटर में लगा देती हूँ, एक को बीच से कट कर देती हूँ और उसे स्टिच करके अच्छे से लगा देती हूँ, जिससे देखने में काफी अच्छा लगता है, मैच हो जाते हैं। आप चाहो तो उसमें सोफा जो कवर होता है नेट के वो भी लगा सकते हो, सोफा कवर होते हैं मोटे में आते हैं उसे भी लगा सकते हो, वेलवेट के होते हैं उसे भी आप लगा सकते हो। मुझे सोफा थ्रो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ सोफा थ्रो लगाने के लिए, क्योंकि मुझे ना वो मतलब सोफा थ्रो लगने के बाद काफी अलग प्रीमियम लुक लगता है, इसलिए मैं हमेशा से सोफा थ्रो ही प्रेफर करती हूँ और लगाती भी हूँ। आपको जो पसंद है वो लगा सकते हो, अच्छे लगे तो आप परचेस कर सकते हो, नहीं अच्छे लगे तो नेट के कवर भी लगा सकते हो जो सोफा कवर आते हैं। तो मैंने लिया है ये वाले कवर जो मतलब सोफा थ्रो जो इस टाइप का पैटर्न में है, काफी अच्छे लग रहा है, स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहे हैं, काफी उभर के आ रहा है वैसा दिख रहा है, तो ट्राई कर सकते हो। इसे भी मैं लगा करके दिखाऊंगी कि लगने वाले कैसा लगता है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मोटे में है और प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है बेडशीट और ये है स्काई ब्लू और व्हाइट कलर का, काफी अच्छा लग रहा था, मैं खोल के दिखा दूंगी। ये फिटेड वाले बेडशीट है और ये आपको ग्लेज कॉटन में मिलने वाले हैं, अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है ना तो काफी कंफर्टेबल रहेगा और काफी अच्छे लगते हैं और अच्छे कपड़े भी मिल गए हैं, ग्लेज कॉटन जरूर है बट काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है, कलर काफी अच्छे लग रहे थे, इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन है, मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और इसका भी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना, काफी बढ़िया वाले प्रिंट है इस टाइप का है, अगर आप चाहो तो अपने बेड में लगा सकते हो और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इसका कलर देख लो, व्हाइट कलर में है और इसका जो पिलो कवर मिलने वाला है ना सेम इसका स्काई ब्लू और व्हाइट कलर में मिलने वाला है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ऑल ओवर कैसा लगता है, ये देखो कुछ इस टाइप का आपको ये देखने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया लग रहा है, तो उस टाइप का है, अपने पिलो में आप लगा सकते हो कवर और क्वालिटी काफी बढ़िया आई हुई है, मुझे देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइप का ये पिलो कवर है और ये बेडशीट है जो बहुत ही बढ़िया प्रिंट के साथ में है। अगर ये डबल बेड का बेडशीट मैं दिखाई हूँ, डबल बेड के बेडशीट में आपको 2 कवर पिलो कवर देखने को मिल जाएंगे जिसे आप इजिली लगा सकते हो, काफी अच्छा लगने वाला है, काफी अच्छे वाले कपड़े में है, ऐसा नहीं खराब कपड़े, ग्लेज कॉटन में लेकिन मोटे कपड़े हैं और काफी सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है छूने में और इस टाइप का बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आफ्टर वॉश देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आफ्टर वॉश भी लगा करके दिखाऊंगी। उस टाइप का है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, इसका प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, उभर के आ रहा है। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैंने सोचा कि दोबारा से दिखा दो क्योंकि ये स्टॉक में आ गया है। सिंगल कुशन कवर है, कुछ इस टाइप का है, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कर सकते हो क्योंकि वाकई में क्वालिटी काफी अच्छी आई है, पूरे एम्ब्रॉयडरी वाले, सिंगल 16x16 इंच का है, सामने से आप देख लो कितने अच्छे वर्क हो रखे हैं और ये प्योर कॉटन में है, किनारे में इस टाइप का पॉम्पम टाइप का छोटे छोटे लगे हुए हैं, बैक में पूरे प्लेन दिखने वाले हैं, यहाँ पे जिप का पैटर्न है, जिप के पैटर्न की क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है। इस टाइप का अगर आप देख रहे हो तो फटाफट से परचेस कर लेना क्योंकि सिंगल पीस से आप बेड के बीच में भी लगा सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो किसी बेंच में भी लगा सकते हो, सोफा में बीच में भी लगा सकते हो, काफी बढ़िया लगने वाला है। इस टाइप में बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो बहुत सारे अलग अलग वर्क वाले देख सकते हो, स्टोन वर्क वाले भी मिलते हैं मीशो में, ट्राई कर सकते हो, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम फाइन वर्क है, सामने से आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस टाइप का लेने के लिए, उस समय आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, अब स्टॉक में आ गए हैं, जिनको भी चाहिए फटाफट से परचेस कर लेना, क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है लेकिन ये सिंगल पीस मिलने वाला है। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है 2 का सेट में लालटेन जो कैंडल टी होल्डर है, तो कुछ इस टाइप का गोल्डन कलर में सेट ऑफ 2 मिलने वाला है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, बैक साइड में आपको यहाँ पे निकालने के लिए मिल जाएंगे और साथ में इसमें सबसे अच्छी बड़ी और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर में साथ में आपको कैंडल दिया गया हुआ है, जिसे अगर आप चाहो तो ऑरिजिनल कैंडल भी लगा सकते हो या फिर अगर आपके पास बैटरी कैंडल है तो वो भी लगा सकते हो, तो इसके साथ में इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, जलने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको अच्छा लुक देने के लिए आपको अपने घर का लाइट ऑफ करना पड़ेगा जिससे कि ये उभर के आए और काफी अच्छे लाइट लगे। सेट ऑफ 2 में है, गोल्डन कलर में है, इसे मैंने बहुत सारे कलर देखा हुआ है, आप चाहोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बस कमेंट कर देना कि उसका लिंक चाहिए तो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेट ऑफ 2 है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के, इसमें बड़े भी आते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बड़े वाले लालटेन भी शेयर किया है आप लोगों के साथ, छोटे भी शेयर किया है,
आपको जो देखने का मन है, बस आपको अगर कुछ भी ऐसा है जो आप देखना चाहते हो, उसे परचेस करना चाहते हो बट परचेस नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में सेंड कर देना है, जिससे कि मैं उसे देखूंगी, पिक करूंगी, परचेस करूंगी, और एक हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा जिससे कि मैं उसे ले लूं और आपके साथ में ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उस टाइप का लालटेन है जो आप ले सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी में आई हुई है। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, ये वॉल में हैंग करने के लिए है, साइकिल शेप में, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से है। और ये वाले आप अपने वॉल में सीलिंग लाइट कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया आए हुए हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो कुछ इस टाइप का है और ये मैं इसका इमेज शेयर कर दूंगी कि ये लगने के बाद कैसा लगता है। अभी तो मैं लगाई नहीं हूँ, लगा करके जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कि लगने के बाद कैसा लगता है। अभी मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोग शेयर कर रही हूँ कि कैसा आया हुआ है। काफी बढ़िया आए हुए हैं, मेटल में है, ब्लैक कलर का पेंट हो रखा है। अगर आपको ब्लैक कलर का पेंट नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पेंट करवाना है आप कर सकते हो खुद से, काफी ईजी है और अच्छा भी लगेगा। तो मुझे तो ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। इसके साथ में जो रिंग वाले जो बल्ब आते हैं एलईडी बल्ब, वो लगाना पड़ेगा, शायद अटैच नहीं है, मतलब नहीं आए हैं, तो बस इसमें आपको लगाना है दो बल्ब और काफी अच्छा वॉल में लगने के बाद लगेंगे। कुछ इस टाइप से दिया गया है, काफी अच्छा लगने वाला है। और ये शायद 300 या 400 रुपए में मिल सकता है। अगर अपने घर को बहुत ही अच्छा लुक देना चाहते हो तो इस टाइप का आप डेकोर कर सकते हो, काफी बढ़िया है, हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। इस टाइप का अगर आप देख रहे हो तो परचेस कर सकते हो। इस टाइप का बहुत सारे वॉल सीलिंग लाइट आते हैं जो आप अपने घर को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो इस टाइप के लाइट से। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है MDF में वॉल हैंगिंग, जो आप आराम से स्टिक कर सकते हो। इस टाइप का प्लेट आता है जो MDF में है, ब्लैक कलर का, इसके ऊपर में गोल्डन प्लेट लगे हुए हैं जो देखने में काफी अच्छा लगता है, लीव पैटर्न में है। बैक साइड में आपको इस टाइप का डबल टेप मिल जाएगा जिसे अच्छे से आप अपने वॉल में स्टिक कर सकते हो। ये सेट ऑफ 3 मिलने वाला है, अलग अलग शेप में, जो लीव का पैटर्न बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, काफी यूनिक है। उस टाइप का अपने वॉल में डेकोर कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब ये अपने वॉल में लगाओगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस टाइप का पैटर्न में है जो वाकई में क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है। इस टाइप का शाइन कर रहा है गोल्डन में, आप देख सकते हो। इस टाइप का सिर्फ MDF में भी आते हैं, इसके ऊपर में भी उभरा हुआ जो दिख रहा है ना, ये भी MDF है, गोल्डन का प्लेट लगा हुआ है, अलग अलग लीव का पैटर्न है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, MDF के हैं, क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है, बहुत सस्ता भी मिलता है, मतलब देखने में काफी बढ़िया, महंगे दिखते हैं लेकिन है बहुत सस्ते, सस्ते हैं बहुत अच्छे हैं, इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी लेने के लिए। स्टेप का अगर आप देख रहे हो तो घर को काफी सस्ते में और अच्छा डेकोर कर सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है विंडो फ्रेम, मतलब विंडो फ्रेम नहीं, विंडो हैंगिंग है, जो MDF में आए हैं, सेट ऑफ 2 में है, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं तो दिखा ही रही हूँ। तो कुछ इस टाइप का मैंने लिया हुआ है, क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है, MDF में ब्लैक कलर का, ये गोल्डन का यहाँ पे प्लेट लगे हुए हैं, MDF के हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बैक साइड में आपको डबल टेप मिल जा रहे हैं स्टिक करने के लिए, अगर आपको अपनी वॉल खराब नहीं करनी है तो यहाँ पे हैंग करने को मिली हुई है जिसे आप इजिली हैंग कर दोगे। ये सेट ऑफ 2 मिलने वाला है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप अपने सोफा के ऊपर लगा सकते हो, बेड के ऊपर लगा सकते हो, काफी बढ़िया लगने वाला है। इस टाइप का अलग अलग भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, बराबर में ऐसे भी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना इस टाइप का विंडो शेप में जो भी आता है ना बहुत ज्यादा पसंद आता है। मेरे पास बहुत पहले से, अगर आपने नोटिस किया होगा पहले के वीडियो में बहुत ज्यादा शेयर करती थी, विंडो शेप में मिरर है MDF की है, इतने लोगों ने लिंक मांगा है ना कि अभी तक वो स्टॉक में नहीं आया है। स्टॉक में जितना आया था किसने खरीद लिया, स्टॉक में अभी तक नहीं आया है। मैंने जब खरीदा उसके बाद तो कभी नहीं देखी हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बट मैं बड़े वाले विंडो शेप में आप लोगों से शेयर की, विंडो मिरर नहीं, विंडो शेप में वुडन के शेयर की हुई हूँ, अगर बहुत लोगों ने लिया भी है। कुछ इस टाइप का है, अगर आप सबका देख रहे हो तो परचेस कर सकते हो, क्वालिटी काफी अच्छी आई हुई है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मैंने पकड़ा हुआ था, आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि कितने बड़े साइज में हैंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा लगने के बाद। तो चलो हम इसे लगा लेते हैं, लगाने के बाद देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है, मैंने लिया है प्लांट, चिपकाने वाले हैं, सिंगल ही मिलने वाले हैं, काफी अच्छे लग रहे थे। उस टाइप का है ये, व्हाइट कलर का, और ये है इसका स्टैंड है जो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो उस टाइप का है जो स्टैंड है, काफी बढ़िया है। तो इस टाइप में आप फ्लावर अपने रख सकते हो, प्लांट रख सकते हो, ओरिजिनल प्लांट रखो, आर्टिफिशियल प्लांट रखो, जो आपको रखने का इच्छा है वो रख सकते हो, काफी ज्यादा उभर के आता है। इसमें बहुत सारे कलर देखने को मिल सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसका व्हाइट कलर भी है, गोल्डन कलर भी है, और तो और इसमें ग्रीन कलर भी मैं देखी हूँ, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस टाइप का भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका कलर बहुत सारे हैं तो मैं सबका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया लगते हैं।
और जो हमारा नेक्स्ट परचेस है कुछ स्टेप का मैंने लिया है स्टार जो मेटल कलर के हैं, ये ब्लैक कलर में है। मुझे उसमें ना साइज बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था कि कितने बड़े साइज आने वाले, जब मैंने इसे देखा तो इतने बड़े साइज आ गए। काफी बढ़िया लग रहा है, ब्लैक कलर में है। इस टाइप का हैंग करने को कहीं भी रख लो। और इसके साथ में ना टी लाइट, मतलब ये होल्डर है, उसके नीचे में आपको यहाँ पे ऐसा रखने को मिला हुआ है, इसमें आप इजिली कोई भी टी लाइट रख सकते हो। और अगर चाहो तो बैटरी वाले लगा लो या फिर आप ओरिजिनल वाले लगा लो, जो भी लगाना चाहते हो कैंडल। और इसमें ना मतलब 5-6 कैंडल तो आपको फ्री में दिया गया, छोटे वाले जो टी लाइट होल्डर जो कैंडल होते हैं ना वो दिए गए हैं। काफी बढ़िया लगा था देखने में और मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे लगा एक ही मिलेगा, बट इतने सारे मिले हैं ना कि मैं क्या ही बोलूं, दिखा देती हूँ। 6 कैंडल मिले हुए हैं इसमें और इसमें इसमें काफी बढ़िया लग रहे हैं, लगने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। वाकई में इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आई है, मेटल में है, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप ट्राई कर लेना। तो कुछ टाइप का है और इसमें ना बहुत सारे मैंने देखा हुआ है जो अलग अलग शेप में मिल रहे हैं मेटल में, अगर आप बोलोगे तो जरूर शेयर करूंगी। क्वालिटी काफी अच्छी है इस टाइप का, दे सकते हो, देखो कितने अच्छे डिजाइन हो रखे हैं। तो अपने घर को डेकोर करने के लिए मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा कितने बड़े आ गए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, कितने बड़े साइज में आ गए हैं और वाकई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ और भी शेप होंगे ना तो भी मैं मंगाऊंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये था आज का हमारा हॉल, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। सबका लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। जो भी आइटम परचेस करना फटाफट से परचेस कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड जो देख रहे हो उनका लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। जो भी आइटम आपको देखने का मन है, जिसका आपको रिव्यू जानना है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है बस उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में दे देना है, जिससे कि मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसे परचेस करूंगी। 1 हफ्ते का बस टाइम देना पड़ेगा जिससे मैं उसे परचेस करूं और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं, तब तक लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।